Sagar Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यहीं। शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद सीतापुर के मास्टर बाग के करीब मुरैना गांव में, और यहां पर पुरैना गांव में, और यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत जी। जब किसानों पर कोई भी विपदा और आपदा आती है तो अग्रणी भूमिका में आप रहते हैं और किसानों की हक की बात कहते हैं, हक की लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। एकदम देसी माहौल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बिल्कुल देसी माहौल में किसानों के बीच आप इतनी दूर से आए हैं, क्या संदेश लेके आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? संदेश लेके आए कि इनकी बेटी की शादी थी 11 मार्च की, 11 मार्च में हम नहीं आ पाए, तो शादी में तो आना था। आज वहाँ बेटी भी यही है, अब उनसे मिलेंगे सब लोग आज इकट्ठे हो। जो उस दिन नहीं आए तो आज आ जाओ जी। हाँ, और अगर उस दिन हम आते तो हम कन्यादान लिखने का काम करते शादी में। हम कन्यादान लिखने का काम करते, उस दिन 4 घंटे रहते तो कन्यादान लिखते उस दिन। तो शादी में अगर जाओगे तो कोई ना कोई ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारे जिला अध्यक्ष है सीतापुर के जी, और हम जो छोटी इकाई है बिल्कुल, और उनके जो गांव है, संगठन जब मजबूत होगा जब हम उनके गांव तक और घर तक टच करेंगे जी। अब हम देखा के पूरा ये कितना बढ़िया यहाँ पे रहन सहन है गाँव में, ना गाड़ी का कुआ है, ना पोल्यूशन है, जंगल है, बीच में जो तालाब जो पोखर है, कच्चे मकान, और शाम के टाइम तो ये बिल्कुल गोवा है, ये जगह है गोवा, और इसमें कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से झील यहाँ पे बनी हुई है जी, ये तो एक किस्म समुद्र का किनारा है। तो गांव अगर देखना हो तो इंटरियल में जाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनसे बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम किसान की अब बात करेंगे तो गेहूं मार्केट रेट कुछ ज्यादा है MSP से जी। किसान व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो सरकार रोक लगा रही, मतलब कैसा अन्याय किसान के साथ। सरसों मार्केट से नीचे बिक रहा तो वो खुले में लूट हो रही। अगर गेहूं के भाव ठीक मिल रहे हैं तो सरकार नहीं खरीद तो उसकी करने दे रही, व्यापारी को धमका रही है, डरा रही है उसको। तो ये सारी समस्याएं हैं। हमारा यहाँ की सरकार से भी है कि उन्होंने वादा किया कि हम बिजली फ्री देंगे, तो 5 साल बिजली फ्री दे उनके घोषणा पत्र में है। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, और कह रही है किसान बेहद खुश है, खुशहाल है, क्या कुछ देखो 400 पार। यह तो देश का तानाशाह, राजा तानाशाह है या ज्योतिषी बेईमान है, ये मतलब जनता में भी तो छोड़ दो ना कुछ, जब चुनाव है जनता पे छोड़ दो क्या देंगे, ये तो तानाशाही का होगा। जब 400 से पार हो ही रहे हैं तो फिर रिन्यूअल कर लो इसको, क्यों देश को धोखा दे रहे हो भाई। सरकार तो 250 पे बढ़ जाएगी, 250 पे 70 के आसपास बढ़ जाएगी सरकार, तो 100 कुछ ज्यादा 150 और क्यों, जब बनी रहे हैं तो रिन्यूअल कर लो इसको जी। क्यों खर्चा करवा रहे हो जी। राहुल गांधी और चुनावी समर में उतरे, क्या कुछ कहेंगे इस पे? अरे भाई होन दो समर, तो भाई जिसका तालमेल जहाँ हो जा, हम तो पकड़ रहे हैं भाई ठूठी साइकिल है, हाथ से चलने वाली साइकिल लेकर हाथी पर सवार होकर नदी पार कर जाओ दाड़े कोद रहे जी, ठीक है सवार होकर। गठबंधन भी मजबूत रहने चाहिए जी। देश में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए, चाहे वो स्टेट में कोई भी सरकार हो उसका विपक्ष हो, अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। जेल से डरना नहीं चाहिए, जेल तो फाइनल परीक्षा होती है नेता की, जैसे बोर्ड की परीक्षा होती है तो जेल तो आखिरी पेपर जेल में होता है। जेल का अगर पेपर कर लिया तो पास हो गया, फिर वो नेतागिरी में मार नहीं खा होगा, अगर जेल से डरेगा तो फेल होगा। क्या आप इस समय जो है अपने पूरे वर्चस्व में है,
डर और नहीं लगता, डर लगता है तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, किसी का किस चीज का लगेगा डर? जेल से ज्यादा कुछ है भी? हमारा पासपोर्ट रोक रखा 3 साल से, अब इसी महीने में बैठूंगा पासपोर्ट अधिकारी के वहाँ पे जी, और तो काम कुछ है नहीं, इतना लक्षण लक्षण होगा, इतना पासपोर्ट कार्यालय पे बैठे चले गए। देखो ये जो जहाँ से दबेगा ये उसको दबाने की कोशिश करेंगे। हम 24 कंट्री में जा रहे हैं आज तक और हमारा पासपोर्ट रोक लिया, तो जहाँ से भी सरकारों को दबाने का काम मिल जाता है उसको वहीं दबा देगी। जो जितने से डरेगा उतना डराएगी, जो नहीं डरेगा डराएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद और मायावती, मतलब अगर आप आज की राजनीति में कहेंगे तो क्या सफलता मानते हैं उनको लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी? वे इकट्ठे हो जाएं तो ठीक रहेगा, दलित समाज और दूसरा समाज उनके साथ में रहता है, वे इकट्ठे हो जाएं। यूथ चंद्रशेखर के साथ रहता है, जो एजेड दलित समाज के लोग हैं वो मायावती जी के साथ में रहती है जी। ये दोनों इकट्ठे हो जाए तो समाज कम से कम इकट्ठा तो रहेगा, वो भी बिखरा हुआ सा है। किसानों की ऐसी क्या मांगे हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि सरकार नहीं सुन रही है, या अगर सुन रही है तो क्या सुन रही है? MSP गारंटी कानून चाहिए, कम रेट में फसल नहीं बिकेगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 वाला फार्मूला, तो किसान कुछ जिंदा रह जाएगा जी। अभी तो जमीन बेच के गुजारा कर रहा, अमीर जो होगा वो जमीन बेच के होगा, फसल बेच के गरीब होगा और जमीन बेच के अमीर होगा। तो ये 30-40 साल में, 40-50 साल में किसान की जमीन उसके हाथ से जाएगी जी। तो ये जमीन कैसे बचेगी? वो आंदोलन से बचेगी। हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही रहना चाहते हैं। हमारे साथ में सब पार्टी के लोग हैं, हम नोटा नहीं दबाते, वोट बिल्कुल ठोक कर दो, जहां जिसकी आस्था है वोट वो वहीं देगा। जिसने 5 साल की क्लास कर ली, जिसने दिल्ली का आंदोलन कर लिया, 5 साल की जिसने किसानों की क्लास कर ली, ये तो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये पेपर का टाइम है, अपना पेपर में पास होगा। अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेल में और जाएंगे लोग, और भी जाएंगे, और भी जाएंगे, और भी जाएंगे। क्यों जा रहे हैं जेल? भाई जो बीजेपी में नहीं जाएगा जेल जाएगा, दो ही तो रास्ते हैं, तो बीजेपी में या जेल, दूसरा तो रास्ता है। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से ये है कि अपने गांव में जाओ, लोगों से बातचीत करो, संगठन शहर में नहीं है, संगठन गांव में है। गांव में जाके जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। अगला टारगेट जमीन का है, बड़े उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं, जमीन मत पूछो। अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या गए? आंदोलन ठीक रहेगा तो अच्छे दिन आएंगे, आंदोलन ठीक रहेगा, आंदोलन घटेगा तो नहीं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। और क्या कुछ कहना चाहेंगे सीतापुर के डेवलपमेंट को लेकर के? दावे हैं, वादे हैं, तमाम चीजें। देखो गांव में तो ना तो सड़कें हैं गांव में, ना पीने के पानी की सुविधाएं हैं। सरकारों की पॉलिसी है कि लोग गांव से तंग हो, जमीन से तंग हो, मतलब जो लोग परंपरागत खेती कर रहे हैं उनको खेती में नुकसान है, जो बाहर की कंपनी आएगी उसको फायदा होगा। तो ये जमीन छीनने का मकड़जाल है, इसको समझ लो। अपनी जमीन नहीं बेच रही, अपना कोई धंधा करो, जमीन नहीं बेच रही, वहां कितनी भी महंगी बिकती हो। और जो आदमी जब जमीन बेच देगा उसको कभी खरीद नहीं सकता, कोई व्यापार कर लेना, जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे यहाँ यूपी में आम तौर पे जो बुजुर्ग हैं वो आज भी भारतीय वेशभूषा को अपनाए हुए हैं, लेकिन जो युवा है वो नौकरी की चाह में बाहर जाने की अपेक्षा रखता है। वो बाहर जाता है, वो सोचता है कि 4 पैसे होंगे। वो अगर खेती किसानी को अपना स्टेटस नहीं मान रहा है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं के लिए? 30 साल लगेंगे उसको, 30 साल जिसने जमीन रोक ली वो ठीक रहेगा, जिसने बेच दी वो बर्बाद होगा। 30 साल अपना गुजारा उसको चलाना है, अपना नौकरी बाहर करो, जमीन को बचा कर रखो। हम क्यों इसको खेत के, हम भी इसको फार्म हाउस कहेंगे। भाई थोड़ी सी पैदावार कम कर लो, रेट बिल्कुल ठीक मिलेगा। ये तो पैदावार के कंपटीशन में रेट नहीं मिल रहा, आंदोलन को ठीक रखो, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो, खर्चे कम करो, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, नशे पत्ती से दूर रहो, उसी से ही आमदनी बढ़ जाएगी। अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं,
कोल्ड ड्रिंक एक आदमी बताओ कि कोल्ड ड्रिंक में पड़ता क्या है। हम अगर नेचुरल फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो किसान को फायदा होगा। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो कंपनी को फायदा रहेगा। इन सब चीजों पर लोग ध्यान दें तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो ये थे किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राकेश टिकैत जी, जिन्होंने खुलकर अपने विचारों को साझा किया। देशी माहौल में आप यहाँ पर उपस्थित हैं, शायद पंखा भी नहीं है, टीन शेड के नीचे बैठे हैं, मक्खियाँ उड़ रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप इसीलिए बने हैं और यही असली पहचान है किसान की, इस बात को आपने प्रदर्शित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लगातार अपडेट्स के लिए आई इंडिया। मैं पी शुक्ला, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।